हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ जो कि मैं अपने बालों पे बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली स्टफ ही मैंने बनाने के लिए दिखाई थी ना, आप लोग प्लीज़ वीडियो चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। और कैसे बनाई है, मैंने बहुत सारी स्टफियाँ बताई थी, इतने सारे बालों का गुच्छा था मेरे पास, मैंने उनसे बनाई है स्टफी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है अपने बालों की इस तरीके से। देन इस साइड से भी आपको सेम प्रोसेस करना है इस तरीके से। और ये बाल आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना करें, इसके लिए इसको हम लोग क्लिप लगा देंगे ताकि हमको हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, ये हो गया। देन आपको बैक साइड के बालों का क्या करना है, फिर से यहाँ से आपको ये जो ईयर होता है यहाँ से इस तरीके से पैटिंग करनी है और बैक साइड बालों को कॉम कर लेना है। ओके, और देन आपको ये वाला जो आपका स्टफी है उसको यहाँ पे रखना है इस ऐसे, और बालों को इसके ऊपर से कवर करना है। ओके, और अच्छे से रखिएगा, स्टफी पूरी ढक जानी चाहिए। और उसको कॉम करके इसको अच्छे से कॉम करके ढक लेना है। थोड़ा भी स्टफी आपका दिखना नहीं चाहिए। ओके, एकदम सेंटर में होना चाहिए। ओके, इस तरफ भी उसी तरीके से सेम आपको बालों को ढक लेना है। तो ये अच्छे से हमारी स्टफी ढक चुकी है और अभी आपको यहाँ पे एक क्लिप लगा लीजिए ताकि आपकी स्टफी अच्छे से चिपक जाए, और देन दूसरी साइड भी एक क्लिप लगा लीजिए यहाँ पे। ओके, और फिर तीन चार क्लिप बीच में लगा लीजिए ताकि अच्छे से ये टसते मस ना हो, थोड़ा भी हिले ना। इसके लिए मैं यहाँ पे टिक टैक क्लिप यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी क्लिप हो आप उससे इसको बना लीजिए। तो ये हो गया। ओके, कितना अच्छा सा पप बन गया ना। और भी चाहें तो आप और भी क्लिप लगा सकते हैं अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं सेट हुआ है तो। अच्छे से पूरा सेट कर लेते हैं, एक क्लिप और यहाँ पे लगा देती हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ से कहीं निकल ना जाए इसके लिए। तो ये देखिए कितना सुंदर सा पफ बन गया हमारा, वैसे भी दिखा देती हूँ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके जो हेयर्स बचे हुए हैं इनकी पतली पतली सी लेयर लेनी है ऐसे। ये देखिए स्ट्रेट मांग होनी चाहिए और इसको सेंटर में थोड़ा सा, मतलब ना आगे लाना ना पीछे लाना, बीच में एकदम इसको ट्विस्ट करते जाना है। ओके, ट्विस्ट करते करते आप इसको बैक साइड ले जाइए। बैक साइड ले जाके क्लिप से इसको सिक्योर कर लीजिए।
ओके, एक तो ऐसे हो गया ट्विस्टिंग, हल्का सा इसको खींच लेते हैं और फिर सेकेंड पार्टिंग लेंगे और फिर इसको भी एकदम बीच से यहाँ से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसी वाला जो हमने क्लिप लगाया था इसको उसी में इसको नेक्स्ट फेस को भी सिक्योर कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सारी लेयर्स बना लेनी है, ध्यान से समझ लीजिए, ना पीछे ले जाना ना आगे, एकदम बीच से इसको ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और बहुत सुंदर सा आपका ट्विस्टिंग बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इस साइड के सारे हेयर्स को बना लेने हैं, क्लिप कर देंगे। फिर आपको सारे ट्विस्टिंग को ऐसे निकाल लेने हैं और इसको एक पास ले जाके एक साथ इसको ट्विस्ट कर लीजिए ऐसे, और इसको सेंटर में ले जाके यहाँ पे क्लिप कर देना है। ओके, अच्छा लग रहा है ना? सेम इसी तरीके से आपको इस साइड करना है। तो ये हो गया, अच्छा लग रहा है ना? तो इधर का आपका होने के बाद से आप चाहें तो पूरे हेयर्स को खुला भी छोड़ सकते हैं। एक तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा, आपका हेयर स्टाइल काफ़ी ब्यूटीफुल सा लगेगा। ओके, और आप चाहें तो इसके साथ बन भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इधर पीछे के बालों को बन भी बना सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा ऊंचा नहीं ले जाना है बन को अपने। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम करना है हल्का सा ऊंचा, यहाँ पे रबर बैंड लगा देना है। उसके बाद आपको ये वाला चाहिए स्टफी, उसके बाद स्टफी को इसमें लगाना है, देन आपको सारे स्टफी को भर देना है। स्टफी को रखने के बाद फिर रबड़ लेनी है और स्टफी के चारों तरफ लगा देना है। कैसा लग रहा है गाइस?
तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके बाकी बच्चे हेयर्स हैं उनको आप टू पार्टिंग में डिवाइड कर दीजिए। और इसको टू पार्ट में डिवाइड करके इसको फिर से टू पार्ट में करिए और ब्राउन छोटी सी बना दीजिए। ब्राउन छोटी बनाकर इसको चारों तरफ से लपेट दीजिए और फिर जूड़ा पिन की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए। और फिर इधर के बालों को भी सेम प्रोसेस में बहुत छोटे छोटे हेयर से तो आप इस तरीके से ट्राई कर लीजिएगा अगर आपके भी छोटे छोटे हेयर से। तीन चार गुड़ा पिन लगा दीजिए ताकि आपका हेयर स्टाइल खुले ना। तो आई होप आप लोग को मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ तो सब सीखने के लिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।